नंबर सिस्टम कन्वर्जन, तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन पहले आता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं? बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल। ये क्या होता है, इसको वो स्टार्ट करते हैं तब समझेंगे चार होते क्या हैं। और टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कन्वर्जन को पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, इसके दो पार्ट में वीडियो बनेंगे। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर को नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1। 0 1 नोटेशन या कलेक्शन को नंबर सिस्टम कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं। और इसमें जितने भी परफॉर्मेंस हो रहे थे, जोड़ घटाना गुणा भाग, वो सब 0 1 में ही होता है। यहाँ तक आप जो इमेज देख रहे हैं मोबाइल में, वीडियो देख रहे हैं, वो सारे किस फॉर्म में होते हैं, 0101 के फॉर्म में ही होते हैं। और फिर जब उसका आउटपुट हो रहा होता है तो आपको ऐसा दिख रहा है कि इमेज चल रहा है, वीडियो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो 01 का कॉम्बिनेशन ही होता है। और नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, तो नंबर सिस्टम होते हैं 4 टाइप्स के मेन। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसकी बेस होती है 2। सेकेंड होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है 7। डेसिमल आता है 9, 10, और हेक्साडेसिमल आता है 16। यहाँ एक 16 होता है, 9 के बाद जब 10 आता है उसको ए से डिनोट करते हैं, बी को डिनोट करते हैं 11 से, सी को डिनोट करते हैं 12 से, डी को डिनोट करते हैं 13, ई को 14, एफ से 15 को। तो बाइनरी को 2 से, ऑक्टल को 8 से, डेसिमल को 10 से, हेक्साडेसिमल को 16 से इनकी बेस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, बाइनरी को 2, ऑक्टल टू 8, डेसिमल टू 10 एंड हेक्साडेसिमल टू 16। तो इसमें तो और इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। तो बाइनरी होते हैं, इसमें 0 1 नंबर्स होते हैं, इसकी बेस या रेडिक्स होता है 2। एग्जाम्पल 0 1 1 0, कुछ भी लिख सकते हैं, 0 1 ही लिख सकते हैं, और इसके अलावा 2 3 4 नहीं लिख सकते। ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, यहाँ इसका रेडिक्स या बेस होता है 8, जिसके अंदर कौन कौन से नंबर था, 0 1 2 3 4 5 6 7। जैसे 45, तो यहाँ 4 और 5 हो गया, 76 ये हो गया। अब यहाँ पास हम 9 या 8 नहीं ले सकते, क्योंकि ये कहाँ तक जाता है, इसका बेस कितना है, 8 तक है, और ये 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसके अंदर कौन से कितने नंबर आते हैं, 7 नंबर आते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें टोटल 0 टू 9 डिजिट स्टोर होते हैं, और इसका रेडिक्स होता है 10। तो 0 से 9 नंबर को गिनेंगे तो हो जाएगा 10। 95 इसका एक एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पास 46 भी लिख सकते हैं, कुछ ही लिख सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक से बनने वाले जितने कॉम्बिनेशन हैं सारे डेसिमल के अंदर आता है। हेक्साडेसिमल क्या होता है, इसके अंदर 0 से लेकर 15 तक के डिजिट आते हैं, और यहाँ 10 को A से, 12 को B से, 13 को C, 14 को D, 15 को E और 16 को F से डिनोट करते हैं। इसका रेडिक्स या बेस होता है 16। जैसे AB3, ए यानी 10 11 3, इसका एग्जाम्पल्स हो गया। अब कन्वर्जन की बात की जाए, तो नंबर सिस्टम का जो कन्वर्जन है वो कैसे, जैसे बाइनरी है तो बाइनरी को पहले हम ऑक्टल के साथ कन्वर्जन करेंगे, बाइनरी नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, और लगे तो ऑक्टल को बाइनरी में ही कन्वर्ट कर लेंगे, फिर बाइनरी को डेसिमल में, फिर डेसिमल टू बाइनरी कर लेंगे, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी कर लेंगे। तो इस तरह से इसका कन्वर्जन करते, कन्वर्ट करने से 001 है, तो 001 को हम डेसिमल में बाइनरी में कैसे, वो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है सीख रहे होते हैं। तो बाइनरी कन्वर्जन में क्या होता है, इसका बेस होता है 2, ठीक है, और डेसिमल का कितना होता है, 10 होता है। तो बाइनरी टू डेसिमल यानी 0 2 बिट को 10 बिट में कैसे कन्वर्ट करें, और डेसिमल टू बाइनरी पढ़ लेते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी में 10 को 2 में कन्वर्ट करते होंगे। बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल की बेस होता है 2, तो बाइनरी टू ऑक्टल 2 को 8 में कन्वर्ट करूँगा और 8 को 2 में कन्वर्ट करूँगा। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल का बेस होता है 2, तो 2 टू 16 और 16 टू 2। ऑक्टल का बेस होता है 2, तो ऑक्टल को देखो हमने बाइनरी बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट किया, ऑक्टल टू बाइनरी किया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किया, डेसिमल टू उसमें किया। जब ऑक्टल आए तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बाइनरी टू ऑक्टल किया था, तभी हमने ऑक्टल टू बाइनरी भी कन्वर्ट कर लिया था, तो हम सीधे ऑक्टल टू डेसिमल अब कन्वर्ट करेंगे।
ऑक्टल से डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल। अब जब डेसिमल में आएंगे तो यहाँ डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जब ऑक्टल पढ़ रहे हैं तभी हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर चुके हैं। फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, फिर डेसिमल कन्वर्जन आएगा तो डेसिमल कन्वर्जन में डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ये कन्वर्जन करते कैसे। हमने सो थ्योरेटिकली देखा और सभी के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इनको कन्वर्जन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।